अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टूडेंट कॉलेज का। जब मान लो आपका ऑफनामा टेस्ट क्लियर हो गया, आपने एडमिशन ले लिया, तो उसका एक्सपीरियंस क्या रहा तेरे, जैसे क्या क्या सब्जेक्ट थे, मेरे को पहले ये समझा मेरे को। तो ओवरऑल मेरे 6 सब्जेक्ट्स थे। एक तो डॉयच डेफिनेटली हो गई, मैथ हो गई, फिजिक हो गई, शमी हो गई, इन्फॉर्मेटिक हो गई, और जो मेरी 6 एडिशनल सब्जेक्ट थी जो हर किसी के स्टूडेंट को लेकर नहीं होती, मैंने देखी नहीं है, वहाँ में इंग्लिश भी थी, क्योंकि ये इंग्लिश पे पता नहीं, ये चाहते हैं अभी इंग्लिश पे फोकस किया जाए, और बात भी सही है, इंग्लिश हर कोई इंग्लिश बोलता ही है, और जैसे इंडियंस के लिए तो इंग्लिश काफ़ी ईजी है, डेफिनेटली इंडियंस हो गए, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, उनके लिए काफ़ी ईजी है, लेकिन बाकी लोगों को एक्चुअली प्रॉब्लम्स होती है इंग्लिश में, मैंने देखा हुआ है, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन होती हैं प्रॉब्लम्स लोगों को इंग्लिश में होती हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको इंग्लिश की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपको पढ़ने वढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उनको पता है आप इंडिया से हो, वो आपको खुद बोल देंगे कि आपका ऑफिशियल लैंग्वेज आएगी इंग्लिश, आप बोलते हो तो आपको बस बेफ्राउंग दे देंगे, या आपको छोटी टेस्ट ले लेंगे आपकी, और फिर आपको डायरेक्टली ग्रेड दे देंगे, और वो ग्रेड आप सीधा FSP में ऐड हो जाएंगे। तो ये 9,000 का सिस्टम तो ऐसा है, अगर मैं ये ये समझ बात गया। अगर हाँ, तो अब बाकी सब्जेक्ट्स तो आपको जैसे अभी सब सब सारे सब्जेक्ट्स के बताऊंगे अभी, जैसे जो बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे फिजिक हो गई, फिर माथा, शमी, और वही डॉयच, फिर इन्फॉर्मेटिक। तो माथा की भी लेवल यार मैं बोलूँगा एटलीस्ट बोर्ड लेवल की तो है, मतलब स्टार्टिंग में इजी चालू करेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं हमें। हम डेफिनेटली टॉपिक्स तो डिस्कस करेंगे ही, ताकि अभी जो आगे ऑडियंस, अभी जो आप भाई लोग देख रहे हो वीडियो, एक बार कॉपी पेन लेके बैठ जाना कि कौन से हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सही भाई, सब्जेक्ट के, क्योंकि सही बात ये है। टॉपिक्स आने वाले स्टूडेंट कॉलेज में, और इन पे अगर आप मान लो 12वीं में भी हो ना, तो इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस देना अगर आपका आगे गोल है जर्मनी पढ़ने का, डेफिनेटली। सिर्फ लेकिन FSP ओरिएंटेड, सिर्फ ऑफनामा प्रूफिंग ओरिएंटेड नहीं, FSP ओरिएंटेड चीजें भी हम डेफिनेटली आपको, क्योंकि मेन आपका गोल FSP होना चाहिए, ऑफ नामा तो क्लियर हो जाता है, ऑफनामा तो क्लियर हो जाते हैं। राइट। लेकिन एक चीज मेरे जो अभी याद आई, जो डिफरेंट है वो एक ये है कि KIT में दो बैचेस बनते हैं, हाँ हमारा इंफॉर्मेटिक का अलग बैच है, एज इन कंप्यूटर अच्छा साइंस का अलग बैच है, अच्छा केमिस्ट्री वाले का जिसको मशीन एंड बाओ या फिर मैकेट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल में जाना है उसका अलग बैच है, तो ऐसा रहता है। लेकिन ये चीज नॉर्डहाउसन में डिफरेंट है, और KIT में क्या है, KIT में इंग्लिश में ही नहीं पढ़ाते, या आपने पहली बार सुना होगा कि नॉर्डहाउसन में इंग्लिश पढ़ाते हैं, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है डेफिनेटली। क्योंकि जब आप नई लैंग्वेज सीखते हो, जैसे मैं अभी अगर अपना एग्जांपल भी लूँ, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि यार मैं जर्मन और इंग्लिश स्विच नहीं कर पाता एकदम से, तो कई बार जर्मन बोलते हुए इंग्लिश के वर्ड्स निकलते हैं, या इंग्लिश बोलते हुए जर्मन के वर्ड्स निकलते हैं, तो बहुत ये प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए डेफिनेटली एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको इंग्लिश भी सिखा रहे हैं नॉट हाउस, राइट। तो लेकिन ये मेरे को समझा कि इन्फॉर्मेटिक और जैसे शमी का हमारा अलग है, तो तुम्हारे में क्या सेम पढ़ाते हैं? हमें आपको शेमी और फिजिक आपको एंड तक करनी पड़ेगी अंटिल FSP। FSP के वक्त आपको एक सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में। आप जो चूज करोगे आपका FSP उस पे ही बेस्ड होगा, और यही जो आप सेम नहीं चीज चूज KIT करोगे। में। एग्जैक्टली अच्छा चल, ये तो मैं मेरे भाई समझ गया कि जैसे तूने मेरे को बताया कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में लास्ट में तुम्हें चॉइस मिलती है FSP के बाद, ये सेम KIT में भी है, और मेरे को लगता है ये जनरली होगा, ये ऐसा ही जनरल ट्रेंड होगा। है, ये हर जगह हाँ, होता ये है। जनरल ट्रेंड है। तो अब बात करते हैं, तेरे को मेरे को बता कि मैथ्स के टॉपिक क्या थे, राइट, कि मैथ्स में फर्स्ट सेमेस्टर में क्या टॉपिक्स बताए गए, फिर मैं अपना थोड़ा बताता हूँ कि क्या टॉपिक्स बताए गए, तो उससे जो बच्चे हैं वो भाई नोट वोट कर लेंगे कि क्या टॉपिक्स आते हैं, तो इसमें फोकस देते हैं। तो यार पहले मैं बात करते हैं मैथ्स में फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर दोनों की। यार मैं टॉपिक देखो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के एग्जैक्टली डिवाइड करके बता देता, बट प्रॉब्लम ये थी कि हमारे सेमेस्टर में माथा ऑस्पाल आ गया था, वो जो मैथ्स टीचर थी बीमार हो गई थी, फिर माथा पूरे सेमेस्टर लाइक लिटरली 2 हफ्ते ही हुआ, उसके बाद हुआ नहीं मैथ्स, तो ये एक प्रॉब्लम आई थी। तो फिर मैथ्स मेरा ऑनेस्टली बोलूँ फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ हुआ नहीं था, जो भी पढ़ाई हुई है सेकेंड सेमेस्टर में हुई है, और उन्होंने फिर ऐसे किया कि पोर्शन उन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने पोर्शन जो है यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड पोर्शन कर दे, जो आपको यूनिवर्सिटी में एक्चुअली काम आएंगी। तो वो जो टॉपिक्स हैं वो मैं बता देता हूँ, वो ये आपका कर्वन डिस्कोसियन हो गया, उसमें आपको ग्राफ से सारी रिलेटेड चीजें हो गई, आपको कर्वन इंटीग्रेशन। डिस्कशन बेसिकली आपका हो जाता है फंक्शंस, जो भी आपका होता है ना, मोनोटोनी हो गया, मोनोटोनियस हो गया, कंटिन्यूटी हो गई, या फिर डिफरेंशिएशन, ये सारा कर्वन डिस्कशन के अंदर आ जाता है, मतलब कर्व डिस्कशन इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताओ तो, राइट। और जैसे फिर इंटीग्रेशन हो गया, आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है, जैसे जैसे इंडिया में होता है वैसे ही राइट एग्जैक्टली वही चीज़ हो गई यहाँ पर। और
मैथ्स में और टॉपिक्स ये हो गई कि उसमें ये थी एपीजीपी भी काफ़ी एक एक दो जगह पे थी, या वो थोड़ी जर्मन टर्म ज़्यादा थे उसमें, आपको जब आप करोगे तो आपको डेफिनेटली उसका एक अच्छा आइडिया लगेगा, बट एपीजीपी थी राइट वो, रायन एंड फॉल्गिन बोला जाता है उसे जर्मन में। तो मेरे और में क्या था, मेरे में भी मैथ्स में यही था, रायन एंड फॉल्गन मतलब आपका सीक्वेंस एंड सीरीज ये हो गया, लेकिन इसका थोड़ा एडवांस लेवल था जो आपको इंडिया के कॉलेज में बीटेक के फर्स्ट ईयर में बेसिकली कराते हैं, तो वो हमें स्टूडेंट कॉलेज में कराया था वो था। प्लस मेरा यार फर्स्ट सेमेस्टर मेरा प्रॉपर हुआ था तो उसमें थोड़ा सेट्स से रिलेटेड भी था, सेट्स हो गए या फिर तेरे रिंग सिस्टम हो गया, समझ आए, तो ये बेसिकली मैट्रिसेस एंड हमारा डिटर्मिनेंट्स के साथ सेट्स भी था ऐसा। हमें भी ये चीजें थी, फर्स्ट सेमेस्टर पोर्शन भी दे रखा था, बट सेट से किया और फिर वो टीचर आई नहीं, फिर प्रॉब्लम हो गया, उन्हें एज आर्ट लेटर मिली नहीं, और फिर यही यही हो गया, बट बाद में फिर उन्होंने कवर कर दिया सब कुछ, हमने खुद से भी काफ़ी चीज़ें हुई, ये होता है कभी कभी, ये एक्चुअली सबके साथ नहीं होता, मेरे सेमेस्टर में हुआ था, तो हम थोड़ा सा अनलकी हो गया था यहाँ पर। लेकिन डेफिनेटली जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए मैं साइड में लिख भी दूंगा, ये हमने टॉपिक्स डिस्कस किए, डेफिनेट यही हाँ टॉपिक्स रहते हैं मैथ्स में। अब बढ़ते हैं आगे सब्जेक्ट की तरफ, बढ़ते हैं मेरे भाई फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या-क्या टॉपिक्स रहते हैं? फिजिक्स में देख भाई, मैशानिक सबको होता है, मैशानिक था फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में, हमें पूरी चीज़ें वापस से कनेक्ट होके सारी पूछी थी, सारे मैशानिक जैसे पहले हो गई, वेमलेरे हो गई, थर्मोडायनेमिक्स हो गई, वो पहले वाली मैकेनिक्स ऑब्वियसली, और जो तीसरी चीज़ है वो इलेक्ट्रिसिटी लेयर, वो भी थी इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीज़ें जो भी है, रेजिस्टर्स कैपेसिटर्स सारी जितनी भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें थी। तो फिजिक्स में भी बोलूंगा कि हमारे यहाँ एक्चुअली चीज़ें हैं कि दो टेक कोर्स थे, तो फिर उससे क्या होता है कि मेरा जो एक दोस्त है, अगर मैं कंपैरिजन के लिए बोलूँ तो मेरे मेरे दोस्त का फिजिक्स टीचर जो है वो डिफरेंट है, और जो मेरे जो थे वो डिफरेंट थे, और हमारा जो है ना लेवल में वास्ट डिफरेंस था। एक जगह मेरी क्लास की फिजिक्स काफ़ी हार्डकोर फिजिक्स मैं बोलूँगा, काफ़ी उन्होंने मतलब काफ़ी थ्योरी ओरिएंटेड पढ़ाते थे, वो थ्योरी पढ़ाते थे और क्वेश्चंस काफ़ी वो हाई लेवल आते थे। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ एटलीस्ट जेईई मेंस के लेवल की हमारी पेपर थी फिजिक्स में। मतलब जेई हाँ मेंस लेवल के क्वेश्चन आते थे मैं आपके बोलूँ जो आराम एग्जाम से, में पूछते थे? कभी कभी जेईई मेंस लेवल एक्सीड भी आराम से की होगी, मैं डेफिनेटली बोलूंगा। तो समझ मेरे को गया। फिजिक्स में काफ़ी मतलब, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ भूल चुका हूँ जैसे ऑब्वियस सबके साथ राइट होता है, तो फिर ब्रशअप करने में टाइम तो लग गया था डेफिनेटली। डेफिनेटली मेरे भी यार यही टॉपिक्स थे। मेरा भी जैसे तूने बताया इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, कैपेसिटर, और जैसे ग्रेविटेशन हो गया, हाँ प्लैनेट्स मूवमेंट, ठीक है, बेवेगुंग, ये सारा था, ये मैं समझ गया, मतलब मोशन से रिलेटेड तो सारा मोशन से था, रिलेटेड मोशन इन मुझे वन इनफैक्ट डे, ये भी मोशन था, इन 2D, ये सब भी था, लेकिन मेरा थर्मोडायनेमिक्स नहीं था एंड ऑप्टिक्स नहीं था मेरे भाई। ऑप्टिक्स नहीं था, ऑप्टिक यहाँ पर भी होती है फिजिक्स में, लेकिन आई थिंक ऑप्टिक तभी होती है जब एम कोर्स में, मेडिकल कोर्स में हो तब होती है। राइट और तो मेरे को श्विंगोंगन भी थी, उसके राइट ऊपर एग्जाम बेस सिंपल नहीं था बट हार्मोनिक पढ़ाई मोशन, थी सिंपल जी। हार्मोनिक मोशंस, हाँ सही सही बात है। वो बच्चों को भी समझ आना चाहिए ना, हम अपनी जर्मन में शुरू हो गए पढ़ रहे थे हम अपने बोलने प्रॉपर। रह रहे हैं, किसी अगर कोई सीख रहा होगा, कोई अभी चालू किया तो जर्मन तो शायद समझ में ना आए। डेफिनेटली, लेकिन उनसे अच्छी बात है, इनसे उनको नए नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे, नहीं जैसे ये इन्हें स्ट्रिंग पहले ही क्लस्टर पता चल वगैरह। जाएगा, इन्हें पहले ही पता चल हाँ जाएगा आने राइट क्या वाला है जर्मन में भी। सही बात है। राइट तो ये तो जैसे हो गया, ये तो फिजिक्स का जनरल हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट वो हो गया मेरे भाई केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या केमिस्ट्री, था? केमिस्ट्री भाई की सबसे प्यारी चीज़। हाँ ओए तो होए बहुत लोग डिसएग्री करेंगे यहाँ पर। बहुत हाँ ज्यादा मेरे, मैं सही में अभी डिसएग्री मैं अभी से करना चालू हो गया भाई, मेरा केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट मेरा था। केमिस्ट्री बचपन से प्यार था यार मतलब। नहीं, मेरा तो अच्छा फिजिक्स था भाई, फिजिक्स भाई। अच्छा हाँ केमिस्ट्री में जैसी टॉपिक्स हो गई, जैसे 11th 12th में जैसे एग्जैक्टली होती है मोल कंसेप्ट हो गई, फिर बाद में आती है आपकी थर्मोडायनेमिक्स भी आ जाती है उसमें, फिर आपकी ये भी हो जाती है कि उसमें आपका फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी था उसमें, राइट ऑर्गेनिक हमें करवाने का टाइम नहीं मिला, और ऑर्गेनिक करवाने का भी प्लान था बट नहीं करवाया उन्होंने, और ये आपकी पीरियोडिक टेबल डेफिनेटली फिजिकल केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल हो गई, फिर रिएक्शंस जो भी 11th 12th में सारी टॉपिक्स वो सारी थी। मेरा भी, और मैं बताऊं तो मेरा भाई मेरा भी यही था, मेरे को भी इक्विलिब्रियम मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया केमिकल या फिर इक्विलिब्रियम थी हाँ, एक आयनिक रिडॉक्स इक्विलिब्रियम क्लैशिंग हो हो गई। गया, हाँ राइट, रिडॉक्स रिएक्शंस हो गई, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया आपका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई, तो ये सारा था सही आपको बात सही बताऊं तो।
और ऑर्गेनिक, तूने जैसे मेरे को बताया मेरे भाई कि तुम्हारा ज्यादा नहीं था, केआईटी में ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का लेवल थोड़ा रहता है, ऑर्गेनिक हमें थोड़ा पढ़ाते हैं, और जर्मन में वो रहता है तो इसलिए थोड़ा टफर साइड पे चला जा सकता है कई बार, ये रहता ये बात है। हाँ है। तो अब हमने मेरे भाई मैथ्स डिस्कस कर लिया है, फिजिक्स डिस्कस कर लिया है, केमिस्ट्री डिस्कस कर लिया कर है, अब थोड़ा बात करते हैं जर्मन के बारे में, क्योंकि लोगों को लगता है कि जर्मन का नाता बस हमने इंडिया में सीख ली, B2 तो बस खत्म। भाई जर्मन आपका ली। लाइफ के एंड तक मेरे को लगता है कि पीछा नहीं छोड़, मतलब नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ने वाले, आपको, हाँ बैचलर्स तक तो लगेंगे। तो जर्मन का डेफिनेट। लेवल कैसा रहता है मेरे भाई, ये बताओ। जर्मन का लेवल मैं बोलूंगा यार काफी अच्छा है। यहाँ पर भी जैसे मैं अपने फ्रेंड के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ, वो दूसरे डे को उसमें था, मैं दूसरे में था, तो उसकी टीचर थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, थोड़ी वो बिलीव करती थी कि पेपर पे ज्यादा वर्क होना चाहिए। जो मेरी टीचर थी वो बिलीव करती थी कि एक्सप्रेशन पे ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा इंटरेक्शन होना चाहिए क्लास में। तो पढ़ाई का, दोनों टीचर्स नो डाउट काफी अच्छे हैं टीचर्स हैं, मैंने दोनों से बात की, दोनों को जानता हूँ मैं। और लेकिन जर्मन लेवल यार अच्छी हो जाती है। ये आपकी बेसिक से चालू करते हैं, आपके ग्रामाटिक जो आपकी ब्रशअप करेंगे, ये फिर आपको ट्राई कर बुलवाने का ट्राई करेंगे, क्लास में जाएंगे आप इंटरेक्ट करो, फिर टेस्ट वगैरह क्लाउज़ुरन एल्का वगैरह सब कुछ होते रहेंगे। तो जर्मन का लेवल तो है यार, आपको कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा। और जैसे आप जर्मनी में रह ही रहो, आप तो सीखते रहोगे, आपको लोगों से कन्वर्स करना है। नॉर्डर्जन में रहने का ये भी हो गया कि इंग्लिश किसी को नहीं आती, बहुत कम लोग हैं, तो आपको जर्मन में ही बात करनी है, आप किसी और चीज़ में बात नहीं कर सकते किसी नहीं, और यहाँ में। पे मेरे यहाँ पे भी यही है कि अगर मान लो कोई जैसे रशियन भी हो गया, मेरे जैसे के IT स्टूडेंट कॉलेज में रशियंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, राइट, तो रशियंस भी हो गए, उनको बेशक इंग्लिश आती है लेकिन वो अवॉइड करते हैं, अवॉइड जैसे हम भी कर। अवॉइड करते हैं, तो मेनली हमारे यहाँ जर्मन में ही कन्वर्सेशन रहती है, और ये अच्छी बात है, इससे ही इम्प्रूव होती है, राइट। तो तो ये तो ये है। जैसे बैचलर्स आपका एम है अभी, आपको करनी है जर्मन में, तो आपको जर्मन तो आपकी अच्छी होनी ही पड़ेगी। आप कोई दूसरी सब्जेक्ट तो आप इम्प्रूव कर लोगे, वो कर लोगे, लेकिन अगर आपको जिसमें पढ़ाई करनी है आपको वो सब्जेक्ट, वो अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आए तो पढ़ाई तो डेफिनेटली नहीं होगी जब तक आपकी लैंग्वेज अच्छी ना हो। राइट मेरे भाई, ये बात तो है, क्योंकि उसमें क्या है जर्मन में आपका लेवल अगर आपका यार B1 तक भी है ना, तो आपको स्टूडेंट कॉलेज के एंड के बाद मैं आपको एक्सप्रेशन, देखो स्पीकिंग की बात खैर अलग है, स्पीकिंग आप जितनी करते हो उस पे लेवल डिपेंड करता है, लेकिन आपका एज ए जनरल लेवल यार B2 से तो ऊपर ही पहुंच जाता है जब आप स्टूडेंट डेफिनेटली कॉलेज खत्म करते हो तो। आपको इनफैक्ट जब FSP सर्टिफिकेट मिलता है उस पर जो डॉयच का नोटा होता है, तो अगर वो अच्छा हो तो वो डेफिनेटली C1 या C1 के ऊपर माना जाता है हर जगह हाँ पूरे ये जर्मनी चीज में। तो है, वही FSP का लेवल सब C1 से कंपेयर करते हैं, मान लो C1 से जो कंपेयर। फर्स्ट ईयर इंडिया में करते हैं और फिर जर्मनी आते हैं ना, तो उनका जो जर्मन लेवल उनको रिक्वायर्ड होता है वो टेस्ट ऑफ या फिर C1 होता है, तो जो एग्जैक्टली FSP का जो जर्मन लेवल है और C1 है, आप वो इक्वलेंट समझ सकते हो, दोनों बराबर है, राइट। तो ये तो हो गया मेरे भाई सब्जेक्ट, ठीक है, अब हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, आई होप लोगों आपको भी समझ आ गया होगा भाई लोगों को कि क्या रहता है सब्जेक्ट, और आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा कि ये सब आता है स्टूडेंट कॉलेज में, नॉर्ड हाउसन में ऐसा रहता है, एंड KIT में मेरे को पता है, थोड़ा डिटेल में डिस्कस नहीं किया क्योंकि KIT के लिए एक सेपरेट वीडियो यार बनती है, क्योंकि KIT नहीं, यार अपने आप में एक टफ स्टूडेंट कॉलेज है, तो डिजर्व KIT करता है भाई KIT, अपना डिजर्व करता है अपना भाई। एक खुद का वीडियो डिजर्व करता है। हाँ तो इसलिए KIT के लिए मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगा, अभी नॉर्ड हाउसन का डिस्कस करते हैं। खैर ये हो गया सब्जेक्ट्स का, अब मेरे भाई आगे मेरे को बताओ कि आप किसी को रिकमेंड करोगे कि नॉर्ड हाउसन यूनिवर्सिटी में बाकी मतलब बैचलर शुरू करने का, मतलब नॉर्ड स्टूडेंट कॉलेज खत्म होने के बाद आप रिकमेंड करोगे या नहीं करोगे। यार देख, अगर मैं मेरे किसी दोस्त को बता रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली मैं तो नहीं करूँगा, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि मैं लिटरली चाहता हूँ मैं भी कोई बड़े सिटी में जाके पढ़ूँ, ताकि मुझे कोई इशू ना हो, प्रैक्टिकम जॉब हो, जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा जॉब हो, राइट अपॉर्चुनिटीज की बात अगर करें। लेकिन आप चाहो, अगर आप फिर भी पैसे बचाना चाहते हो, यहाँ पर भी आपको जॉब मिल ही जाएगी, ऐसा नहीं। अगर राइट आपको आप एडजस्ट हो चुके हो तो आप कर सकते हो। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कर रहे हैं यूनिवर्सिटी, जो होकशुल, जो ये होकशुल है, वो डेफिनेटली लेवल अच्छा है उसका, पढ़ाई वगैरह रिसर्च ओरिएंटेड जो भी। मेरे को इतना डिटेल में नहीं पता है होकशुला का, बट काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर भी। लेकिन मैं तो किसी को अगर जैसे तू रिकमेंड करने बोल रहा ऑनेस्टली, ऑनेस्टी के साथ, तो फिर मैं राइट तो बोलूँगा कि डेफिनेटली भाई स्टूडेंट को ले करो, सर्टिफिकेट लो और दूसरी जगह जाओ। आगे जहां हाँ, पे मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो, जहाँ पर और जॉब मेन अपॉर्चुनिटी फैक्टर बेसिकली यार उसका है कि बड़ी सिटी होनी चाहिए, कुछ लोग बड़ी होता है कि सिटी है। वो हाँ
तो छोटी सिटी में रह नहीं सकते। छोटी सिटी का एक ये है कि पता है लोग रिटायरमेंट लाइफ हो गई तब प्रेफर करते हैं, या फिर एक साल रहना तब प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर जॉब सिनेरियो की बात करनी है, आपको वर्क लाइफ की बात करनी है, तो डेफिनेटली आपको बड़ी सिटी में भाई मूव करना ही पड़ेगा। सही बात है। और जैसे हमारे एज के लोग आते हैं जो यंग होते हैं, फिर उन्हें तो डेफिनेटली यार वो चाहेंगे नाइट लाइफ हो, वो चाहेंगे कहीं घूमने को मिले, कहीं मॉल्स हो, सही कुछ बात, मतलब हर हर चीज होने चाहिए एक जगह पे। तो राइट उसके लिए तो आपको बड़ी सिटी एम करनी राइट, पड़ेगी। डेफिनेटली वो छोटी चीज, जो छोटी जगह है ना, छोटी जगह में वो सारी चीजें विसिनिटी में नहीं आ सकती जो सही चीजें बात, बड़ी जगह में आ सकती, सही तो बात, डेफिनेटली बड़ी सिटी के फायदे तो रहते हैं। इसलिए प्रेफर, अगर आप भी मेरे भाई लोग अगर आप आ रहे हो ना, और मान लो किसी छोटी सिटी से स्टूडेंट कॉलेज करते हो, तो हम दोनों भाइयों का तो यही रिकमेंडेशन है कि आप किसी बड़ी सिटी में जाके बैचलर्स करना। एज अ ब्रदर हम आपको यही सजेस्ट करेंगे, बाकी फिर आपकी मर्जी, अगर आपको छोटी सिटी में कंटिन्यू करना है तो आप वो भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भाई आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच करण भाई, आपने यार कोई नहीं इतना भाई, यार भाई लोगों को समझाया कि कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि जनरली बहुत लोगों के डाउट थे, और मैं एक सीरीज भी बनाना चाह रहा था, और आई सेम, होप लोगों को पसंद आई होगी ये सीरीज, और डेफिनेटली सीखने भाई। को कुछ मिल रहा होगा इनसे नहीं डेफिनेटली। भाई और बहुत जिसको सही। भाई करण भाई से डाउट पूछने हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देख लिया होगा, इंस्टाग्राम हैंडल मैंने प्रोवाइड कर ही रखा है, तो आप भाई से जाके पूछ सकते हो। तो चलो यार आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है मेरे भाई, थैंक यू सो जरूर मच भाई, यार, कोई नहीं भाई, चलो बहुत चलो मजा आया भाई। बाय चूस भाई, बाय मेरे भाई, चल मेरे भाई ये इसको स्टॉप कर दूँ रिकॉर्डिंग। चल ठीक है। हाँ।